बड़ा मुश्किल होता है कि हंसते कभी को 6 मिनट में बांधा जाना, फिर भी संचालक महोदय का जहां तक प्रश्न है दोस्तों, संचालक झूठ बहुत बोलता है, ऐसी ऐसी छोड़ता है, भाई साहब इसका कोई जवाब ही नहीं है। किसी कवि को शायर को मंच पर पेश करेगा, बोलेगा कि साहब इस कवि ने 20 बार अमेरिका में कविता पाठ किया है, 18 बार वहां किया है, 23 बार वहां किया है। अब आप उसका पासपोर्ट तो चेक करेंगे नहीं, आपके पास सिवाय यकीन करने और कोई बात है ही नहीं। इसी तरह से संचालक महोदय ने 20 बार काव्य पाठ किया है अमेरिका में, और मैंने 22 बार, और जब मैं 23वीं बार कविता पाठ कर रहा था तो भाई साहब बीवी ने कंधा मार के उठाया कि उठो डोई वाला आ गया। मैं कोशिश करता हूं कि 6 मिनट में बंद जाऊं, 6 मिनट तो मुझे भाई साहब वार्म अप करने के लिए चाहिए होते हैं, ये बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। संचालक महोदय हमारे डॉक्टर प्रमोद भारती है, बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। मुझसे इन्होंने एक दफा कुछ पैसे उधार ले लिए दोस्तों। अब मैं जब भी इनसे पैसे मांगने के लिए फोन करता तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हो? अरे यार मैं अमेरिका में हूँ। मैंने कहा वहाँ क्या कर रहे हो? अरे कभी सम्मेलन में हूँ, कविता पाठ कर रहा हूँ। अब मैं 10-15 दिन के बाद फिर फोन करता, मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हो? बोले यार मैं कनाडा में हूँ। मैंने कहा वहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे कविता पाठ कर रहा हूँ, कवि सम्मेलन में हूँ। कुछ दिन के बाद फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हो? बोले साहब मैं दुबई में हूँ। भाई वहाँ क्या कर रहे हो? कि कवि सम्मेलन में हूँ, कविता पाठ कर रहा हूँ। एक दिन मैं भाई साहब इनके घर गया, और घर जब मैं पहुंचा, मैंने जैसी घंटी बजाई, भाभी जी आई। मैंने कहा भाभी जी कहाँ है डॉक्टर साहब? कहते घर में है। मैंने कहा क्या कर रहे? कहते बर्तन साफ कर रहे। मैंने कहा चलो, मैंने दोस्तों फिर फोन लगाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हो? कहते मैं यार पेरिस में हूँ। मैंने कहा वहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे कविता पाठ कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं पेरिस के गेट पे हूँ, बाहर आ जाओ। देखो मित्रों, आजकल जो माहौल चल रहा है, 2-3 मुख्तार साहब, क्योंकि समय बहुत कम है, कि कैसी रब की मार पड़ी है देखो तो। कैसी रब की मार पड़ी है देखो तो। एटीएम पर भीड़ लगी है देखो तो। कि कैसी रब की मार पड़ी है देखो तो। एटीएम पर भीड़ लगी है देखो तो। और मजदूरों के दिल में हंसी के फूल खिले, मजदूरों के दिल में हंसी के फूल खिले, धनवानों की वाट लगी है देखो तो। और इसमें दूसरा पता है, दूसरी साइड अगर आप देखें तो आए थे कल हकीम जी पैसे निकालने। क्या बात, आए थे कल हकीम जी पैसे निकालने, लठ बजता देख भीड़ में घबरा के गिर पड़े। आए थे कल हकीम जी पैसे निकालने, लठ बजता देख भीड़ में घबरा के गिर पड़े। और ताकत का नुस्खा लोगों को जो देते थे राकेश, ताकत का नुस्खा जो लोगों को देते थे राकेश, लाइन में एटीएम की वो गश खा के गिर पड़े। और दोस्तों मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं अपनी एक पहचान की एक छोटी सी कविता आपको सुना के अपना स्थान लूंगा। मैं वैसे बड़े काम का आदमी हूं, वो एक छोटी सी कविता आपको सुना रहा हूं।
कि एक जेलर ने कैदियों को यातना देने का नया ढंग अपनाया। एक जेलर ने कैदियों को यातना देने का नया ढंग अपनाया, मुझे जेल में बुलवाया और कविता पाठ करवाया। मुझे जेल में बुलवाया और कविता पाठ करवाया। प्रयोग सफल देखकर अधिकारी विस्मित हो गए। प्रयोग सफल देखकर अधिकारी विस्मित हो गए, हम भी चर्चित हो गए। दुकान अपनी चल पड़ी, दुकान अपनी चल पड़ी, 2 वर्ष को अनुबंधित हो गए। टमाटर वे अंडों की जगह ले ली पगार एवं भत्तों ने। टमाटर वे अंडों की जगह ले ली पगार एवं भत्तों ने। पूरे मोहल्ले को बांटी मिठाई मेरी नत्थों ने। पूरे मोहल्ले को बांटी मिठाई मेरी नत्थों ने। प्रशासन भी इजी हो गया, मैं भी बिजी हो गया। अन्य प्रांतों से भी निमंत्रण आने लगे, अन्य प्रांतों से भी निमंत्रण आने लगे। कभी सम्मेलन छोड़ जेल जाने लगे, कभी सम्मेलन छोड़ जेल जाने लगे। और संपूर्ण पुलिस विभाग मेरा फैन हो गया, संपूर्ण पुलिस विभाग मेरा फैन हो गया। 2/3 कैदी तो शक्ल देखकर ही डरने लगे, 2/3 कैदी तो शक्ल देखकर ही डरने लगे। मैं ही मैन हो गया। कैदी जेलर द्वारा धमकाए जाते, कैदी जेलर द्वारा धमकाए जाते, अक्सर ये कहते पाए जाते, कर ले बेटा तू आज ऐश कर ले, कर ले बेटा तू आज ऐश कर ले, जिंदगी के मजे कैश कर ले। कल इस जेल में ही मैन आ रहा है, तेरा बाप राकेश जैन आ रहा है।